SIFC ग्रीन और क्लीन एनर्जी की जानब से गामजन SIFC के तहत लगाए गए पौधे अब फल और दरख्त बनने के मराहिल में है। इस हवाले से क्या डिटेल्स आ रही है? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया क्लीन ग्रीन एनर्जी की जानब जा रही है और SIFC ने भी इस हवाले से कई इकदाम किए गए हैं, जिनका फल अब आप कह सकते हैं कि चंद माह के अंदर या एक दो साल के अंदर हमारे पास सामने आ जाएगा। हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी ऐसी है जिसको हम एक तरफ से रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं और इसके साथ साथ ये क्लीन ग्रीन एनर्जी का बहुत ही काबिल इस्तेमाल और बहुत ही आसान या सस्ता नुस्खा भी है, क्योंकि बाकी एनर्जी जो है दुनिया के अंदर वक्त के साथ साथ महंगी होती चली जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान को कई यकीन दहानियां मौसूल हुई हैं, जिसके अंदर सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने आजाद कश्मीर में एक बंद बिजली मनसूबे के लिए $101 बिलियन की पेशकश की है, जिससे नेशनल ग्रिड के अंदर सस्ती क्लीन ग्रीन 70 मेगावाट बिजली जो है दस्तियाब होगी। इसके अलावा एक अमेरिकन कंपनी की जानब से GW3 का एक सोलर पैनल प्लांट कराची में लगाने की बात की जा रही है, जिसके ना सिर्फ पाकिस्तान को सस्ते सोलर पैनल में असर आएंगे बल्कि इससे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने की राह भी हमवार होगी। इसके अलावा SIFC की अगर हम बात करें तो इसकी कावशों के नतीजे में आज भी बैंक ने अब पाकिस्तान को $150 बिलियन के एक मंसूबे की मंजूरी दी है, जो कि क्लीन ग्रीन एनर्जी के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा SIFC के तहत चलने वाले मंसूबों से एक तरफ हम देखेंगे कि पाकिस्तान में तवानाई सस्ती तवानाई या रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हासिल की जाने वाली तवानाई की पैदावार में खासर का इजाफा होगा, तो दूसरी जाने जो बिजली का बहरान है और खासतौर पर हम महंगी बिजली से आजकल सब परेशान है, तो इसके अंदर भी कमी लाने में मदद मिलेगी। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।